सर स्टॉक स्पेसिफिक पे कोई स्ट्रेटजी नहीं है अभी फिलहाल, दूर बैठेंगे। सर शॉर्ट कर सकते हैं, एसबीआई शॉर्ट करें, बंधन बैंक शॉर्ट करें, रिजल्ट्स हैं दोनों के इस वीक में। आप देखिए एसबीआई और बंधन बैंक आज तक तो अपनी स्ट्रेंथ को संभाले हुए हैं और बहुत ज्यादा नहीं गिरे हैं, लेकिन मुझे लगता है देखिए जब एचडीएफसी बैंक अच्छे रिजल्ट देने के बाद नहीं बचा, आईसीआईसीआई नहीं बचा, एक्सिस नहीं बचा, तो एसबीआई या बंधन बैंक भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। सो आई बिलीव कि जो मार्केट है वो आपके रिजल्ट्स नहीं देख रहा है। आई एम टेलिंग यू कि एक होता है आउटलुक, एक होता है एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स को बिल्कुल मार्केट नहीं देख रहा है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, आ रहे हैं, हमने तो देखा प्रॉफिट जी 100% बढ़ गया, शेयर गिर गया, क्यों हो रहा है? बिकॉज आउटलुक इज बैड। आने वाले समय का, अगले क्वार्टर का नहीं पता, उसके अगले क्वार्टर का तो बिल्कुल नहीं पता, तो आप कैसे उस शेयर को क्यों खरीदोगे? जो होना था हो चुका, रिजल्ट्स इज द पास्ट। आप अभी देखिए रिजल्ट कौन से क्वार्टर के आ रहे हैं, जनवरी मार्च क्वार्टर के आ रहे हैं, और हम कौन से महीने में बैठे हैं? मई महीने में बैठे हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि मैं मई महीने में आगे आने वाले महीने के लिए खरीदूं शेयर? जो हो चुका है वो हो चुका है, दैट इज प्राइस्ड इन। और प्राइस्ड इन नहीं भी है तो जो स्टॉक ज्यादा टूट जाएंगे उनको बाद में बाय कर लेंगे, बट अभी तो सेंटिमेंट भी नहीं है। सो सिंपल है कि बंधन बैंक शॉर्ट करें, 311 रुपए पर चल रहा है। एक इसमें हमने स्प्रेड किया है कि हमने इसको लॉट को भी शॉर्ट किया है और 320 की पुट भी शॉर्ट की है। तो अगर ये शेयर 302 303 आता है तो आपको लॉट भी फायदा देगा और पुट आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर आ जाएगी। तो आपको करीब 8 से 10 रुपए इस मार्केट में मिल जाएंगे, वो भी सेफ। तो करीब आपको 1800 का लॉट है, 15-18 हजार मिल जाएंगे। क्वांटिटी आप डिसाइड कर लीजिए कितने लॉट करने। सेम एसबीआई में है, एसबीआई में आप एक लॉट शॉर्ट कर दीजिए और 470 की पुट शॉर्ट कर दीजिए। टारगेट रहेगा 445 से 55 के बीच में एसबीआई का। और बंधन बैंक में जो हमारा टारगेट है, अगर कोई नेकेड शॉर्ट करना चाहता है इन लेवल्स पर, हम हालांकि सलाह नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है जो कर सकता है तो 255 से 60 के बीच के टारगेट रहेंगे। तो बंधन बैंक 255-60 के टारगेट, जो कि नेकेड खेल रहे हैं और जो हेजिंग के हिसाब से खेल रहे हैं, उनके लिए करीब 10 रुपए का स्कोप है। और एसबीआई में भी सेम है, करीब 475 से 455 आएगा तो उनको 20 रुपए लॉट में मिलेंगे, 8 रुपए उनकी पुट में जाएंगे, तो करीब करीब उनको तब भी 12-13 रुपए मिल जाएंगे। 1500 का इसका भी लॉट है, तो इसमें भी आपको 15-20 हजार रुपये मिल जाएंगे। ठीक है। और विवेक जी जो कह रहे हैं कि मार्केट जो है वो नतीजों का केवल इंतजार कर रहा है, नतीजों की तारीख का, नतीजों के अनाउंसमेंट का, उस अनाउंसमेंट में आ क्या रहा है उस पर शायद ना के बराबर ध्यान दे रहा है। तो चाहे वो मुनाफे में आए चाहे नुकसान में आए, अगर नुकसान में आए तो और ज्यादा गिरावट, और अगर मुनाफे में आए तो थोड़ी कम गिरावट। शायद अगर मान ले अगर एक बार को कि हाँ कि और बड़ी गिरावट हो सकती तो नहीं, लेकिन वो गिरावट ही रही। केवल उस डेट का इंतजार करते हैं कि आज अर्निंग रिजल्ट आएंगे और कल हम टूट जाएंगे। तो वो वाली चीज है, और उसी को देखते हुए, उसी ट्रेंड को देखते हुए कहीं ना कहीं विवेक जी ये कह रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। बस होता क्या है कि किसी कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो वो उस दिन पर्टिकुलर डे पर कभी 2%, 3% या बहुत हो गया तो 7-8% ऊपर चला जाता है, और फिर वो अगले दिन से उसकी आप हाल देखिए, उसकी हालत खराब हो जाती है। ठीक है।